A very good afternoon to you all. Hi, my name is Nitika and I welcome you all to my channel English with Nitika. And today is 8th March 2022. And as we all know, today is International Women's Day. So I congratulate, I appreciate all the women of our society who are actually inspirational to each and every person. और इसी के साथ आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो भी कुछ वेमेन से रिलेटेड ही है. तो देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे द हिंदू एडिटोरियल ने क्या रिलीज किया है. 8th मार्च वर्ड ऑफ द डे इंग्लिश विद नितिका. चलिए कॉम्प्लेसेंट वर्ड को रिलीज किया है सेम आर्टिकल से. इन्होंने रिलीज किया है वेमेन डे के, वेमेन के आर्टिकल से ही रिलीज किया है. कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ प्राइड, या फिर हम स्मग भी कह सकते हैं, यानी कि सिंपल सा अर्थ है आत्मसंतुष्ट, कंटेंट जिसे हम कहते हैं. इसे किस प्रकार से यूज किया जाता है वो समझ लेते हैं. वर्ड ऑफ द डे है कॉम्प्लेसेंट. इट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग केयरलेस, कैजुअल, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंस, लैक, लैक्स, अपैथेटिक, प्राउड ऑफ वनसेल्फ, सेल्फ अप्रूविंग. बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम एज ए सिनोनिम इसके यूज कर सकते हैं. इसका हम एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं. ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इट इज इट्स राइट दैट वी सेलिब्रेट वुमेन एंड द प्रोग्रेस दे हैव मेड इन बिल्डिंग अ मोर इक्वल सोसाइटी, बट वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट द चैलेंजेस दे स्टिल फेस टूडे. हम ये बेशक मानते हैं कि उन्होंने बहुत जो है उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, वुमेन की बात हो रही है, लेकिन आज भी हम इस चीज को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आज तक वो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रही है. बेशक हमारी लाइफ में उपलब्धियां हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा चैलेंजेस हैं. ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहां पर आज भी जो विमेन है उनको बहुत सारे स्ट्रगल एक्चुअली में फेस करने पड़ते हैं. जितने भी शोज आते हैं, चाहे वो फिक्शनल शोज हैं, लेकिन उन फिक्शनल शोज में सिर्फ वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हो रहा है, ये कुछ झूठ नहीं है. चाहे वो उसको नाम नहीं देते, रियलिटी शो की तरह नाम नहीं देते, लेकिन वो फिक्शनल के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि किसी पार्ट में हमारे ही देश में किसी पार्ट में ऐसी स्टोरीज, ऐसी इंसिडेंट जो हैं विमेन के साथ होते हैं और हो रहे हैं. तो इन चीजों से हमें संतुष्ट नहीं रहना है. तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है कंटेंट, यानी कि संतुष्टि. और इसको इस तरह से उसने आर्टिकल में यूज किया है. और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, कंटेंट, प्राउड या हैप्पी. ये वर्ड्स जो हैं हम एज ए सिनोनिम कॉम्प्लेसेंट का यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे उसने ये जो आर्टिकल में एग्जाम्पल लिया है वो भी एग्जाम्पल भी हाईलाइटेड था, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर प्लेस किया है. तो दिस वॉज द वर्ड ऑफ द डे 8th मार्च 2022. आई होप आप सभी इसको इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं. इस तरह से वोकैबुलरी जो है हमारी बनती है. रोज के कुछ ना कुछ शब्द अपनी कोशिश से भी याद कीजिए और लिखिए उसको. अदरवाइज आप इन सेशंस के माध्यम से भी अपने वोकैबुलरी को अपडेट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं. सो दिस वॉज आवर टुडे सेशन. And thanks to you all and have a great day. और session को like जरूर कीजिए, share जरूर कीजिए session को, और subscribe channel को करना मत भूलिएगा. जो notification का bell icon है इसे भी जरूर press कीजिए, क्योंकि इस bell icon के माध्यम से आपको notifications आती हैं. कोई भी video मैं upload करती हूँ उसकी notifications आपको session में मिलेंगी. So thanks to you all and have a great day.